Hey guys, welcome back to my channel. So today we are going to do the next part of 500 plus question series which came in MNS exam 2020. So watch till end because it will really help you in your next exam and in interview. I have seen in many interviews they ask questions which is come in exam. So without wasting your time, let's get started. So if you remember in last video we did this question. So today we are going to start from here. So the first question is, the process of converting sugar into alcohol is known as, it's called fermentation. Okay, next, in which force work is not done? If the force is perpendicular to the direction of displacement, work done is zero. Is to kaun se force mein work nahi hota hai? Jab agar फोर्स ऐसी डायरेक्शन में हो जो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो तो उसमें वर्क डन ज़ीरो होता है, तो उस केस में कोई भी वर्क नहीं हुआ. ठीक है, नेक्स्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर. काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है. नेक्स्ट, पेसमेकर इन नॉर्मल हार्ट इज़ नोन एज. जो नॉर्मल हार्ट है उसका जो पेसमेकर होता है उसको क्या बोलते हैं? साइनो आर्ट्रियल नोड्स या SA नोड. नेक्स्ट, सारे जहाँ से अच्छा सॉन्ग इज़ रिटन बाय. सारे जहाँ से अच्छा जो सॉन्ग है वो किसने लिखा है? अलमा मोहम्मद इकबाल, इन्होंने लिखा है. ये कौन थे? ये एक उर्दू राइटर थे. ठीक है, नेक्स्ट, कॉनकन नेवल एक्सरसाइज इज़ बिटवीन इंडिया एंड. जो कॉनकन नेवल एक्सरसाइज होती है ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में होती है? UK के. नेक्स्ट, द्रोणाचार्य अवार्ड इज़ गिवन टू. द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिलता है? आउटस्टैंडिंग कोच इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स. ये कोचेस को मिलता है, स्पोर्ट्स कोचेस को. नेक्स्ट, फास्टेस्ट स्विमर ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के फास्टेस्ट स्विमर कौन है? माइकल फिलिप्स. इनके ऊपर एक और क्वेश्चन आया था विच वॉज, हु वॉन 28-23 गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक. इन्हें टोटल 28 मेडल्स मिले थे जिसमें से 23 गोल्ड मेडल थे. ठीक है, ये किसी दूसरे सेट में आया था तो इसका आंसर भी यही है. ठीक है, माइकल फिलिप्स. नेक्स्ट, PIN फुल फॉर्म. इसका फुल फॉर्म क्या होता है पिन का? पोस्टल इंडेक्स नंबर. नेक्स्ट, OS फुल फॉर्म. OS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. इस बार बहुत सारे फुल फॉर्म आए थे तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपको फुल फॉर्म भी याद करना होगा. ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट. इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब होता है? 12 अप्रैल. राइट टू मूव इन SC इज मैंशन इन विच आर्टिकल. कौन से आर्टिकल में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं, तो ये किस कौन से आर्टिकल में लिखा है? देखो इस बार पॉलिटिक्स के क्वेश्चन भी ईजी नहीं आए थे तो पॉलिटिक्स का भी अभी हमें लेवल अप करके पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट के लिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32-35 empower the citizen to move to a court of law in case any denial of fundamental rights. ये आर्टिकल 32 और 35 में दिया होता है. ठीक है, टेस्ट में तो आपको सिर्फ ऑप्शन ही आएगा कौन सा आर्टिकल है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा याद करोगे या पढ़ोगे तो जल्दी ही तुम्हें लर्न हो जाएगा. नेक्स्ट, विच रिवर क्रॉस द इक्वेटर ट्वाइस. कौन सा रिवर है जो इक्वेटर को दो बार कट करता है? कॉन्गो रिवर. ठीक है, इंडिया की कौन सी रिवर है जो दो बार कट करती है? कमेंट में बताना मुझे. फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव बुकर प्राइज़ इन इंडिया. कौन सी पहली ऐसी वुमेन है जिसको बुकर प्राइज़ मिला है इंडिया की? तो वो है अरुंधति रॉय. इन्हें मैन बुकर प्राइज़ मिला था कब? 1997 में, इनकी फर्स्ट नॉवल के लिए जो थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. डायरेक्टर जनरल ऑफ हु. जो हु है उनके डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडहनॉम गैब्रियसस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर लिमिट ऑफ PMJJBY. ये जे होगा, ओके, PMJJBY. PMJJBY का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. ठीक है, इसमें मैक्सिमम लिमिट क्या है, अपर लिमिट जो पूछा है, तो मैक्सिमम एंट्री होती है एज 50 और मैक्सिमम कवरेज जो मिलता है एज 55 को. ओके, नेक्स्ट, जनता कर्फ्यू इम्प्लीमेंटेड ऑन विच डे. जनता कर्फ्यू कब से स्टार्ट हो गया था? 22 मार्च. ठीक है, 22 मार्च 2020. नेक्स्ट, ऑन 12 जनवरी 2020 विच हॉकी प्लेयर डाइड.
कौन से हॉकी प्लेयर 12 जनवरी 2022 को मर गए या डेथ हो गई, किसकी? बलबीर सिंह कुल्लर की। नेक्स्ट, विच फेमस बास्केटबॉल प्लेयर डाइड दिस ईयर। देखो इस साल बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे डेथ के ऊपर, किसकी डेथ हो गई है, किसकी डेथ हो गई है, वैसे करके हर एक सेट में क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये है कोब ब्रायंट, इनके बारे में तो बहुत न्यूज़ में आया था, ये सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैटेलाइट ऑफ अर्थ, अर्थ की सैटेलाइट कौन सी है? स्पुतनिक 1। नेक्स्ट, हाईएस्ट टॉलेस्ट हिल ऑफ साउथ इंडिया, हाईएस्ट या टॉलेस्ट ये पता नहीं, साउथ इंडिया का हिल का ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ओके। सो उसका आंसर था अन्नामुदी। नेक्स्ट, ग्राउंड वाटर इज़ पोल्यूटेड बाय विच एलिमेंट, ये फर्स्ट सेट में आया था कि ग्राउंड वाटर जो है कौन से एलिमेंट से पोल्यूटेड होता है, और ये आंसर करना था रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग, तो रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग बोरोन है। नेक्स्ट, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, ये तो क्लास 4th-5th से ही पढ़ रहे होगे कंप्यूटर में, ठीक है। क्या होता है ALU का फुल फॉर्म? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट, CDMA फुल फॉर्म, CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस इज अ चैनल ऑफ एसेस मेथड यूज बाय वेरियस रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक। ये इसका फुल फॉर्म यही है सिर्फ इतना सा, ठीक है। और ये क्या होता है, ये एक चैनल एसेस मेथड होता है जिससे रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। नेक्स्ट, RBI नोट हैव हाउ मेनी लैंग्वेज, RBI नोट कितने लैंग्वेजेस में होते हैं? 15 लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूरर इज नेम ऑफ, फ्यूरर किसका निकनेम था? हिटलर को बोला जाता है। ये कोई भी ऐसा जो लीडर हो जो बहुत ही क्रूल हो या उसको बोला जाता है फ्यूरर, ठीक है। नेक्स्ट, एसेसरी ग्लैंड विच फाइंड ओनली इन मेल मैमिलियन, सो कौन सा एसेसरी ग्लैंड है जो सिर्फ मेल मैमिलियन में पाया जाता है? कौन सा है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। नेक्स्ट, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शोन बाय विच टाइप ऑफ RNA ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन में कौन सा RNA कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करता है? RRNA। नेक्स्ट, ब्लड क्लॉटिंग इज प्रिवेंटेड इन ब्लड वेसल बाय विच फैक्टर, किस चीज़ की वजह से हमारे ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती? ब्लड क्लॉटिंग मतलब खून नहीं जमता हमारे ब्लड वेसल्स में, कौन से फैक्टर की वजह से? थ्रोम्बिन, इसकी वजह से हमारे ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती ब्लड वेसल्स में। सिल्क फॉर्म बाय सिल्क वॉर्म ऑन विच स्टेज, जो सिल्क होता है वो सिल्क वॉर्म कौन से स्टेज में बनाता है? तो प्यूपा स्टेज में बनाता है। नेक्स्ट, व्हेन वन ऑर्गन चेंज शेप दैट इज कॉल्ड, एक ऑर्गन जब अपना शेप चेंज करता है तो उसको बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस। नेक्स्ट, रीजेनरेशन पावर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू विच सेल, कौन से सेल की वजह से रीजेनरेशन होता है? तो प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डस कार्बन फॉर्म मैनी कंपाउंड, कार्बन बहुत सारे कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है? क्यों करता है? क्योंकि उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी नोन एज कैटिनेशन। बोन इन सर्वाइकल एंड थॉरिक रिस्पेक्टिवली, सर्वाइकल और थॉरिक में कितने बोन होते हैं? तो 7 होते हैं इसमें और 12 होते हैं इसमें, ठीक है। What was Rowlatt Act? Rowlatt Act क्या था? The Rowlatt Act was passed by British government to increase their grip on power over the common folk. जो Rowlatt Act था ये British government ने पास किया था ताकि जो normal people, common people हैं उन लोगों पे वो अपनी power और ज़्यादा बढ़ा सके, ठीक है। Vertical distribution of species called as, जो species की vertical distribution होती है इसको क्या बोलते हैं? Stratification. नेक्स्ट, वट डज इट मीन इफ द बॉड ऑफ वाटर बॉडी इज लेस देन 5 PPM, अगर पानी का जो बॉड है वो लेस देन 5 PPM है तो मतलब क्या है, वो पानी कैसा है ये पूछा है, ठीक है। द वाटर हैव अ बॉड लेस देन 5 PPM इज रिच इन डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो जिसका अगर 5 PPM से लेस है तो उसमें क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है। The day of commencement of Constitution of India. Constitution of India कब commence हुआ था? January 26, 1950 में, ठीक है। Is the day the Constitution of India came into effect. Next, who was the first election commissioner of India? Sukumar Sen. Next question है, longest phase in cell division. जो cell division होता है उसमें longest phase कौन सा होता है?
Interphase is the longest part of the cell division. This is when the cell grow and copy its DNA before moving into mitosis. तो इसका आंसर है interphase. Interphase होता है longest phase in cell division. Next, the speaker of the Lok Sabha can ask a member of house to stop speaking and let another member speak. This phenomenon is known as speaker of जो Lok Sabha का speaker होता है वो किसी भी house के member को स्टॉप कर सकता है बोलने से और किसी और मेंबर को चांस दे सकता है बोलने के लिए. ये जो ये प्रोसेस होता है, ये फिनोमिनन होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यील्डिंग द फ्लोर. नेक्स्ट, द नेम ऑफ द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन पॉलीसैक्राइड्स. पॉलीसैक्राइड्स जो होते हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. नेक्स्ट, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज. बाल्मर सीरीज में रेशियो बतानी है मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ की. तो क्या है? द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज 5:9. ठीक है, ये है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव बेनेडिक्ट टेस्ट. अभी इसके ऑप्शंस नहीं पता मुझे, तो इसलिए कौन कौन से नहीं देते ये देखो. टेबल शुगर या जो भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं ना, वो बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देते. ऑप्शन मुझे नहीं मिले थे इसके, तो मैंने बस ये बता दिया. अगर ऑप्शन में आपको कोई भी दिखा जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो वही होगा इसका करेक्ट आंसर. ठीक है, क्योंकि वही बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देते. नेक्स्ट, विच कंपाउंड शो सिस ट्रांस आइसोमर. कौन से कंपाउंड है जो सिस और ट्रांस आइसोमर शो करते हैं? एल्कलीन एंड साइक्लिक कंपाउंड कैन एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमर. एल्कलीन और साइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सिस ट्रांस आइसोमर शो करते हैं. नेक्स्ट, विच कपल हैज़ वॉन नोबेल प्राइज़. कौन से कपल है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है? तो एस्टर डफलो एंड अभिजीत बैनर्जी. इन दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला और ये दोनों कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ्स हैं. नेक्स्ट, हाइएस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट. कौन सा ऐसा स्टेट है जो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है? तो वो है बिहार. नेक्स्ट, लार्जेस्ट ओर माइन. लार्जेस्ट ओर माइन किधर है? आयरन ओर माइन है झारखंड में. नेक्स्ट, टेन्योर ऑफ राज्यसभा. जो राज्यसभा है उसका टेन्योर कितने साल के लिए होता है ये पूछा है. देखो इस बार पॉलिटिक्स से बहुत क्वेश्चंस आए हैं. देखो 6 ईयर्स का होता है. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक. हाइड्रोपोनिक क्या होता है? हाइड्रोपोनिक इज अ टाइप ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड सबसेट ऑफ हाइड्रोकल्चर विच इज़ अ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट यूजली क्रॉप विदाउट सॉइल बाई यूजिंग मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन एन एक्वस सॉल्वेंट. ये क्या होता है? मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती उस पौधे को एक एक्वस सॉल्यूशन में, और उसमें सारे मिनरल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं और उसमें प्लांट को ग्रो किया जाता है. ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज फाउंड इन. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहाँ पाया जाता है? तो ये ब्रिटेन में होता है ऑप्शन के हिसाब से, और इन सब कंट्री में भी होता है. बेल्जियम, कंबोडिया, जॉर्डन, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, थाईलैंड. टेस्ट में शायद सिर्फ ये वाला ऑप्शन था, पर ये सारे भी आप पढ़ लो कि यहाँ यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है. ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी. आईएनसी क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? आफ्टर द पार्टीज फाउंडेशन इन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था. वो उमेश चंद्र बनर्जी बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट. ये थे उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट. नेक्स्ट, विच स्टेट अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स 2011 हैज़ लीस्ट लिटरेसी रेट. तो देखो सेंसेक्स के अकॉर्डिंग पूछा है. अभी आप गूगल पे जाओगे आपको बहुत सारा मिल जाएगा अलग अलग साइट का, लेकिन ये सिर्फ सेंसेक्स के अकॉर्डिंग पूछा है. तो उसमें क्या दिया हुआ था? उसमें ये दिया हुआ था कि राजस्थान हैज़ द लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट वाइल बिहार हैज़ द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट. दो स्टेट दिए हुए हैं वहाँ पे कि मेल लिटरेसी रेट है सबसे कम राजस्थान में और फीमेल की है बिहार में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम रीनेम टू. फिरोज शाह कोटला ये स्टेडियम था, इसको रीनेम करके क्या कर दिया है? अरुण जेटली स्टेडियम इसका नाम कर दिया है. नेक्स्ट, विच इंडियन वुमेन इज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर. फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन है? मिस इंदिरा गांधी. और एक कब बनी थी? 14 मार्च 1969 में. 90 ईस्ट रेज लाई इन. कहाँ पे है ये? इंडियन ओशन में है. ठीक है, इट इज़ अ मिड ओशन रिज. नरेंद्र मोदी रिसीव विच अवार्ड. इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं ना पास्ट फ्यू ईयर्स में, लेकिन ये 2019 का पूछा था. तो 2019 में इनको मिला था
फर्स्ट एवर फिलिप्स कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड. वैसे इनको बहुत सारे 6 या 7 अवार्ड्स मिले हैं, उन सबके लिस्ट एक बार देख लेना, ठीक है. नेक्स्ट, अंडर विच स्कीम वुमेन वर गिवन फ्री सिलेंडर. कौन से स्कीम के अंदर वुमेन्स को फ्री सिलेंडर मिल रहा था? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. इसके अंदर जो रूरल विलेज के वुमेन्स थी उन्हें फ्री में सिलेंडर मिल रहा था. नेक्स्ट, विच मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट फॉर रिएक्शन टू स्टार्ट. रिएक्टेंट को कौन सी मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए? तो उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज गोइंग टू पब्लिश द राइटिंग ऑफ गुरु नानक ऑन हिज 55th एनिवर्सरी. 55th एनिवर्सरी पे गुरु नानक जी की कौन है जो उनकी राइटिंग पब्लिश करने वाला है? तो यूनेस्को करने वाला है और ये वर्ल्ड की हर लैंग्वेज में पब्लिश करेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिशन लॉन्च बाय इंडियन नेवी टू ब्रिंग इंडियन फ्रॉम अदर कंट्री. इंडियन नेवी ने एक मिशन लॉन्च किया था COVID-19 के टाइम दूसरे कंट्री से इंडियंस को लाने के लिए, तो इस मिशन का नाम था मिशन समुद्र सेतु या ऑपरेशन समुद्र सेतु. ओके, नेक्स्ट, डेविड कूपरफेल्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड. ये क्या है, ये एक राइटर है. नेक्स्ट, जीका वायरस इज नेम्ड आफ्टर द फॉरेस्ट इन द कंट्री इट ओरिजिनेट. व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंट्री. जो जीका वायरस है ये कंट्री के फॉरेस्ट के ऊपर नेम किया गया है, तो उस कंट्री का नाम क्या है? कौन सी कंट्री का है ये? युगांडा, ठीक है. इस कंट्री में एक फॉरेस्ट है, उसके ऊपर जीका वायरस नाम पड़ा है. नेक्स्ट, When we add an impurity to semiconductor, it is known as. जब हम semiconductor में कोई impurity add करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम doping बोलते हैं. Next question is, Macintosh was manufactured by. ये Apple की तरफ से है, ठीक है. Next, in which plan was the demand of partition accepted? Partition जो इंडिया पाकिस्तान का partition हुआ था, ये कौन से plan में accept किया गया था? तो ये Mountbatten plan में था, ठीक है, प्लान. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव वॉन 2 times नोबेल प्राइज इन फिजिक्स. कौन है जिनको 2 बार फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है? जॉन बर्डीन को मिला है 2 बार फिजिक्स में नोबेल प्राइज. फर्स्ट टेम्पल विच वॉज कंस्ट्रक्टेड आउट इन अ सिंगल रॉक. सिंगल रॉक से पूरा टेम्पल बनाया गया था, ये कौन सा टेम्पल है? आंसर इज कैलासा टेम्पल, ठीक है. ये पूरे सिंगल रॉक से उस टेम्पल को बनाया गया है. नेक्स्ट, मिनिमम फॉरेस्ट कवर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस. इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कितना मिनिमम फॉरेस्ट होना चाहिए? तो वह 33% होना ही चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट, पिच ऑफ द साउंड डिपेंड अपॉन. जो साउंड की पिच होती है वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे. ये रिपीटेड क्वेश्चन है. नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सेल इन विच यू राइट इस कॉल्ड. एक्सेल का जो शीट होता है, कंप्यूटर में एक्सेल्स बनाते हैं ना हम लोग, तो उसमें जो शीट होता है उसकी एक यूनिट को क्या बोलते हैं? ऐसे करके रहता है, ठीक है, ऐसे इसमें लिखते हैं. जैसे मेनली इसमें मार्कशीट वगैरह बनती है, यहाँ पे नेम, सब्जेक्ट, फिर टोटल मार्क्स, वो सब करके, तो उसको सेल बोला जाता है. नेक्स्ट, एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्टेड बाय इंडियन नेवी. कौन से मिसाइल है एंटी सैटेलाइट जो टेस्ट की थी इंडियन नेवी ने? तो ASAT उस मिसाइल का नाम है. और ये किसके तहत लॉन्च हुई थी? मिशन शक्ति के अंदर. नेक्स्ट, ज़ीरो इन्वेंटेड बाय होम. किसने ज़ीरो को इन्वेंट किया था? ऐसे तो हम आर्यभट्टा पढ़ते हैं इसका, लेकिन गूगल पे मायोज लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है. ऑप्शन में क्या था प्लीज़ अगर किसी को पता है तो लेट मी नो. बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू. बिग बैंग थ्योरी किस से रिलेटेड है? ऑरिजिन ऑफ द अर्थ से रिलेटेड है बिग बैंग थ्योरी. नेक्स्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल इन विच ईयर. कौन सी ईयर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 में. और कब से कब तक हुआ था? डेट दिया है 28 जुलाई 1914 टू 11 नवंबर 1918. नेक्स्ट, जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ जूट प्लांट. जूट फाइबर कौन से पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है प्लांट के? तो स्टेम एंड द आउटर स्किन ऑफ प्लांट से ऑब्टेन करते हैं. From which part of the seed water enter through? Seed के कौन से part में से water enter होता है? तो इसका answer है microphyll. Neurotransmitter secreted from. Neurotransmitter जो होते हैं वो कहाँ से secrete होते हैं? तो presynaptic neuron से neurotransmitter secrete होते हैं.
So thanks for watching, guys. If you find this video helpful, please hit the like button and subscribe my channel for more updates. Thank you.